सुशील मोदी कह रहे हैं कि सार्वजनिक करने के जो आंकड़े भी सार्वजनिक करे, जब होगा तो आंकड़े सार्वजनिक कई राज्यों में। देखिए वो नहीं थे क्या, जितना सब कुछ हुआ है तुम लोगों को मालूम नहीं है, हर किसी को मालूम है, तो ये हो गया है तो बेचारा सब जो कर किया है तो वही लोग ना फाइनल करके एक एक चीज का फिगर करके अब तब ना घोषित कर देगा। वही तो कर रहा है बेचारा, उसी में लगा हुआ है एकदम, इतना मेहनत कर रहा है सर। आज जो पहले से दिया हुआ है शुरू से गाइडलाइन, गाइडलाइन कोई अलग से नहीं दिया है सरकार, चूंकि हम लोगों ने सबकी सहमति से जो तैयार किया तो शुरू में ही जो दिया है गाइडलाइन तो इसी पर हो रहा है। केंद्र सरकार का सॉलिसिटर जनरल अचानक इसमें पूछता है उसको किस नहीं नहीं कोई मतलब नहीं। देखिए एक तो बात सोचना चाहिए, आप सोचिए इस देश में हर बार 10 साल में होता था जनगणना होता था, और 11 में तो मान लीजिए कि जाति आधारित जनगणना भी हो गया था, तई तो कुछ कर ही नहीं रहे। 21 से किए कितना साल बिता दिए, तो पहला बार हो रहा है ना जी, इस देश का तो इतिहास बदल रहे हैं, ये कभी होना चाहिए? ये तो पूरे तौर पर होना चाहिए। कितनी आबादी है और कैसे किसी चीज को करेंगे, किसको कितना लाभ देंगे, ये सब जरूरी चीज ना था जी, तब उसको कर ही नहीं रहे हैं। हम लोग अपने राज्य में कर रहे हैं, और जब करेंगे तो जो भी राज्य की अपनी हैसियत है उस हिसाब से सबका सहयोग करेंगे। आप जान लीजिए बिहार वाला जो कुछ भी पब्लिश हो जाएगा ना, तब सब लोग इसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे। उसके बाद कई जगह तो लोग करना ही चाहते हैं, अनेक राज्यों में करना चाहते हैं, तो ये मॉडल अगर बहुत हम इसलिए शुरू से तय कर दिए हैं तो उसी तरह से ऐसे ही अचानक किसी चीज को घोषित नहीं, हर चीज के साथ घोषित कर दो, तब ना कोई जानेंगे, तो इसी तरह से सब जगह करेंगे तो सबके हित में ना होगा जी। तो वही बात है, तो कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को कोई इसी चीज को लेकर के। मुख्यमंत्री जी जब गैर भाजपा दलों को एक साथ ला रहे हैं, हाँ जाहिर है मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो ही बिहार में पटना में किए, और दूसरा हुआ, फिर तीसरा हो रहा है, तो तीसरा हो रहा तो उसमें हम लोग 31 को जाएंगे, इसी महीने 31 को जाएंगे, और एक को मीटिंग है, हम मीटिंग अटेंड करके फिर लौट कर साथ ला रहे हैं। लालू जी ने कही था कि अलग अलग जो राज्य हैं उनके प्रभाव दिए जाएंगे ताकि एक सामंजस्य। नहीं नहीं वो देखिए ना, अभी बाहर कुछ कहना ठीक नहीं है, मीटिंग में होगा तो सब लोगों की राय आएगी, तो उसी समय बता, हमने तो बताते रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं सब एकजुट हो, तो आगे भी इस काम को तेजी से करने के लिए तो उसमें भी कहेंगे, सब लोग राय करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी जब आप ये सबको एक साथ ला रहे हैं तो लालू प्रसाद के खिलाफ सीबीआई गई है सुप्रीम कोर्ट, उनकी जमानत। अरे वो तो ऐसे ही बेचारे को तंग कर रहा है, वो तो जान बूझ करके ना तंग करता है, अब देखते नहीं है जो सेंटर में आजकल है वो सबको तंग ही ना कर रहे जी, किसी को छोड़ रहा है, सबको तंग कर रहा है, तो छोड़िए ना, सब कोई मतलब बहुत अच्छा शिक्षक का बहुत अच्छा बहाली हो रहा है, देख लीजिए। हम तो 15 तारीख को भी कुछ घोषणा किए है ना, तो हम तो सब ना करेंगे, सबके हित में ना काम करेंगे जी, ताकि पढ़ाई खूब हो और बच्चे बच्चियों की पढ़ाई ठीक हो जाए, इसके लिए तो हम लोग चाहते ही है। और कोई दिक्कत नहीं है, पहले बीच में जो आ गया था हमारी तो गवर्नर साहब से भी बात हो गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी नहीं, सब कोई दिक्कत नहीं, मिलजुल करके सब काम हो रहा है, बहुत अच्छे ढंग से होगा, कहीं भी कोई चीज खाली रहेगा पूरा होगा कि हम लोग पढ़ाई के पक्ष में, और राज्य सरकार तो सब चीज के लिए मदद करती है, इसलिए चिंता मत करिए, कोई समस्या नहीं है, कोई इधर उधर नहीं है मामला।